हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोगों ने हिस्ट्री में जितनी सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी, अब उससे आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये हम लोगों का आई थिंक शायद 9th या 10th लेक्चर होगा हिस्ट्री का, ओके। तो इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं कि क्या आगे करना है हमें। तो हम लोगों ने मौर्य डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था और अब हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। चैनल शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं मौर्य वंश। देखिए, मौर्य वंश के बारे में जितनी हिस्ट्री हमें मिलती है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में जितनी हिस्ट्री हमें मिलती है, उसके पीछे जो लिटरेचर जो सोर्सेज हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत में जो लिटरेचर बुक्स वगैरह में जो मिलता है वो क्या मिलता है। तो पहले एक बुक है गाइस अर्थशास्त्र, राइट। इस बुक में हमें इस बात की जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। और ये बुक जो लिखी थी वो कौटिल्य ने लिखी थी, और कौटिल्य ही का ही नाम जो है वो विष्णुगुप्त भी है, और कौटिल्य का ही दूसरा नाम जो है वो चाणक्य भी है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में ये लिखी गई थी, और इसके 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, और 4000 श्लोकों में ये डिवाइडेड है। हालांकि हमारा इससे मैटर नहीं है, और भी बताता हूँ गाइस। उस समय अर्थशास्त्र का मतलब पॉलिटी होता था, ठीक है। तो बेसिकली ये राजनीति से जुड़ा हुआ था उस समय। जैसे आप लोग आज जो अर्थशास्त्र पढ़ते हो, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऐसा नहीं था। तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ था बेसिकली, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है जो फ्रिक्वेंटली आस्क ये है कि अर्थशास्त्र कितने लिखी थी, तो इसका आंसर जो है वो चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त हो जाएगा। दूसरा ये कि ये किस ब्रांच से संबंधित है, तो ये पॉलिटी से संबंधित है। अगली जो बुक आती है वो आती है इंडिका, ठीक है। अगली जो बुक है वो इंडिका है, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी और ये यूनानी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसमें भी इस वंश का जिक्र है और इस समय की चीज़ों का जिक्र है। अब बुक के बाद अभिलेख की अगर हम बात करें, इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें गाइस, तो अभिलेख में अगर बात करें तो अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों में जो है ना इस वंश की जानकारी, यानी कि मौर्य डायनेस्टी की जानकारी जो है वो मिलती है, राइट। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य में क्या है, तो देखिए 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक, 322 से लेकर के, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक ही ये व्यक्ति था। आपको एक कहानी बता देता हूँ मैं, असल में हुआ क्या, एक्चुअली मौर्य वंश शुरू होने से पहले, ठीक है, मौर्य वंश शुरू होने से पहले नंद वंश का शासन था पूरे भारत में, और नंद वंश के ही दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कार्यरत था। चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद वंश का आखिरी शासक था, जिसका नाम धनानंद था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने दरबार से बाहर कर दिया लज्जित करके, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उसको हटाने का और उसको मारने का प्लेज लिया, उसको मारने का मतलब कि प्रतिज्ञा ली, और उसको हटाया भी, उसको मारा भी, और उसके बाद एक नए जिस व्यक्ति का उसने सहारा लिया उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और इस प्रकार से जो है मौर्य वंश की जो है वो स्थापना हो गई। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का प्रथम शासक और संस्थापक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा, यहाँ पे एक और जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो मौर्य वंश के क्षत्रियों का सरदार था। अच्छा, इसके अलावा मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में मौर्यों को शूद्र माना गया है, ठीक है। अब ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है गाइस कि मुद्रा राक्षस जो था वो बुक जो है वो विशाख दत्त ने लिखी है, ठीक है। और बाकी सारे बुक्स अलग अलग राइटर्स ने लिखी है, लेकिन मुद्रा राक्षस का बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ और है नहीं,
नेक्स्ट चिट्ठी क्या कह रहा है इनका कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य रोहन कब हुआ, मतलब किस तारीख को उनको जो है ना राजा जो है बनाया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य रोहन की तिथि जो है वो 322 ईसा पूर्व मानी जाती है और 18 फरवरी 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, यानी कि इसका राज्य रोहन कब हुआ, 322 ईसा पूर्व। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना आपको। और इसका जो नाम है बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है बेसिकली, इस नाम की क्लैरिफिकेशन जो है वो 1793 में जो है विलियम जोन्स के द्वारा हुई थी। राज्य समय विस्तार की अगर हम बात करें गाइस, राज्य समय विस्तार की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने सबसे पहले 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण करके यूनानी गवर्नर फिलिप की हत्या कर दी थी। पंजाब विजयनगर साम्राज्य की मौर्य के पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। पंजाब विजय जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली जीत थी, पहली विजय थी। और पंजाब के बाद चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने पुनः 321 BC यानी कि ईसा पूर्व में बेसिकली मगध पर आक्रमण किया। ठीक है, ईसा पूर्व का था, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, मगध पर आक्रमण किया, तो 321 ईस्वी पर उन्होंने मगध पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वगैरह। और मैंने आपको कहा था ना इन्होंने धनानंद की हत्या कर दी, तो उस समय मगध पर किसका शासन था, उस पर नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद का शासन था। और आगे बढ़ते 305 BC का मतलब हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 305 BC में सिकंदर के सेनापति सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया, कुछ जो उस तरफ के थे, पंजाब साइड के थे। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य जो है सिंधु घाटी के किनारे युद्ध हुआ और युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह से हार गया तथा उससे चंद्रगुप्त मौर्य को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि की शर्तें क्या थी, तो भाई सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। एक तो ये थे संधि पहली, यानी कि जो थे मैरिजल रिलेशंस कह लो एक तरह से आप लोग, या मैटरनल रिलेशन कह लो एक तरह से, यानी कि वैवाहिक संबंध रखे गए ताकि वो दोबारा हमला ना कर सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वगैरह। सेल्यूकस ने अपने चार राज्य परोपनिषदी काबुल, आर्कोसिया कांधार और हेरात और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित हुए तथा एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहने लगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर के श्रवण बेलगोला में, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है वो मैसूर के श्रवण बेलगोला में चंद्रनगिरी पर्वत पे हुई थी। इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी होती है। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पे है गाइज, ये कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नाटका में है। और क्या मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किसने कराया था, पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, रुद्रदामन के ही जूनागढ़ अभिलेख में ये भी उल्लेख मिलता है कि अशोक के गवर्नर तुषाप ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। यानी कि सुदर्शन झील जो गुजरात में है जूनागढ़ में, उसका बार बार जो जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, ठीक है, वो मौर्य वंश के द्वारा ही कराया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है। ठीक है, मतलब दोनों का नाम एक ही साथ, कौन से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शंस होता है गाइस, है ना, टॉम्ब इंस्क्रिप्शन जो होता है, जैसे माना पिलर इंस्क्रिप्शन या टॉम्ब इंस्क्रिप्शंस, तो उसके ऊपर मिलता है इस चीज़ का जिक्र। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा,
जैन आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कौटिल्य था, ये बेसिकली चंद्रगुप्त का जो गुरु था, क्या नाम है, ये उसका राजनीतिक गुरु था, लेकिन जो उसका रिलीजियस गुरु था, यानी कि जो उसका धार्मिक गुरु था, उसका नाम भद्रबाहु था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने जीवन के आखिरी दिनों में जो है जैन धर्म की शिक्षा दी और उसने जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो है संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए श्रवण बेलगोला में, ये याद रखना आपको, मैंने बता दिया जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो लिखना ही लिखना आपको। और उसके बाद फिर बिंदुसार आ गया नेक्स्ट हेडिंग में, ठीक है। बिंदुसार जो है 298 से 273 ईस्वी तक इसका शासन रहा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और सम्राट अशोक का पिता था, समझे आप लोग, यानी कि अशोक का पिता था बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। बेसिकली अशोक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है। तो एक तो पहला इंपॉर्टेंट यही है। अच्छा, यूनान के जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, संस्कृत में से अमित्रघात भी कहते हैं, यानी कि जो शत्रुओं का जो नाश करता है वो। आगे अच्छा, जब ये राजा बना तो उसकी जो तक्षशिला जो प्रांत था उसमें ना दो विद्रोह हुए थे, ठीक है। आगे क्या करें आपका, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत जो है डायमिकस बिंदुसार के दरबार में रहता था, यानी कि सीरिया का जो शासक था ये एंटियोकस प्रथम का जो राजदूत था डायमिकस, ये किसके दरबार में रहता था, ये बिंदुसार के दरबार में रहता था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका, यूनानी लेखक एंथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस प्रथम के तीन वस्तुएं की डिमांड की थी। पहला था अंगूरी मदरा, दूसरा है अंजीर और तीसरा है यूनानी दार्शनिक की मांग, ठीक है ना। तो तीन चीज़ों की उसने डिमांड की थी, किसने, बिंदुसार ने, कहाँ से, ये जो यूनान के है ना, यूनान कि भाई मुझे अंगूरी मदरा चाहिए, अंजीर चाहिए और यूनानी दार्शनिक चाहिए। आगे क्या कह रहा है आपका, एंटियोकस प्रथम ने दो वस्तुएं, एंटियोकस ने प्रथम दो वस्तुएं यानी अंगूरी मदरा और अंजीर भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को यह क्या अस्वीकार कर दिया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिश्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, मिस्र का भी, मिस्र ने भी अपना राजदूत भेजा था, सीरिया ने भी अपना राजदूत भेजा था, यूनान ने भी अपना राजदूत भेजा था, तो इनके संबंध जो थे इंटरनेशनल काफ़ी बड़े थे, ठीक है। और इससे यही देख के हमें ज्ञात होता है बिंदुसार के बाद जो, अच्छा ये जो दो बिंदुसार के समय में जो तक्षशिला में जो दो विद्रोह हुए थे उसको दमन करने के लिए उसने अशोक को भेजा था, ठीक है। अशोक ने इसका दमन किया था, उसको दबाया था, सुप्रेस किया था। आगे बात करते हैं, अशोक का शासनकाल आता है तीसरा, काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है इसका, इसको उसको ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या कह रहा है, बिंदुसार की 16 रानियों में से 101 पुत्र हुए जिनमें अशोक सर्वाधिक तेजवान था। अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम विगताशोक था। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार, मतलब कि राजा की 16 रानियां थे उनसे 101 पुत्र थे और उसमें सबसे इंटेलिजेंट जो था वो यही था और उसका सगा भाई जो था वो ये था। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों के मार्ग गद्दी प्राप्त की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध की जो बुक्स हैं उसके अनुसार ये हमें प्राप्त होता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा था, सगे भाई को छोड़ दिया था और खुद को छोड़ दिया था, 101 लोग थे टोटली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अशोक ने सिंहासन रोहन यानी कि 273 BC में, अशोक का सिंहासन रोहन जो है वो 273 BC में हो चुका था, जबकि उसका राज्य अभिषेक जो था वो 4 वर्ष बाद 269 में हुआ। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है,
अशोक, ये जो बुक है ना अशोक वदानमाला में, अशोक की माँ का नाम जो है वो शुभद्रांगी बताया गया है, ठीक है। अच्छा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है ना इसकी कई पत्नियाँ थी, उनका उल्लेख जो है वो नीचे इस प्रकार से दिया हुआ है। कैसे कैसे दिया वो देखो आप लोग। इसकी पहली मित्री थी असंग मित्रा, दूसरी थी महादेवी, तीसरा पद्मावती और चौथा था त्रिश्य रचिता, ठीक है। ये चार पत्नियाँ थी उसकी। आगे क्या कह रहा है आपका, अशोक के इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक रानी कारुवाकी का जिक्र मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब उसकी एक और पत्नी थी कारुवाकी, इसका जिक्र कहाँ मिलता है, कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है। अच्छा, अशोक के जो इलाहाबाद का कौशाम्बी अभिलेख है उसमें एक ही पुत्र का जिक्र मिलता है जिसका नाम है तीवर, तीवर का उल्लेख, तीवर अशोक का पुत्र है और उसका उल्लेख जो है वो कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि भाई देव नाम प्रियदर्शी अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी, ठीक है। मतलब इसको इस नाम से भी जाना जाता था, देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ऐसे कहेंगे हम। नेक्स्ट है आपका, अशोक का नाम जो है चार अभिलेखों, अशोक जो है चार अभिलेखों में मिलता है। मतलब उसका नाम जो है ना सेम भाई, किसी में इसको प्रियदर्शनी भी कहा गया, किसी में कुछ कहा गया, किसी में कुछ कहा गया, लेकिन अशोक का नाम अशोक जो है चार अभिलेखों में मिलता है। पहले गर्जरा मध्य प्रदेश में, दूसरा मास्की अभिलेख में, तीसरा नौतुर कर्नाटक में और दूसरा उडेगोलन कर्नाटक में, ठीक है। तो ये चारों में इसका अभिलेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। अच्छा, सबसे पहले जो है ना 1915 में हमने मास्की के अभिलेख को पढ़ा, ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी में कलिंग पर विजय प्राप्त की, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 BC में, और उस पर उसने, और ये उसके राज्याभिषेक के ठीक 8 वर्ष बाद हुआ है। अशोक के कलिंग विजय की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है, और ये दीर्घ शिलालेख है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है वो लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट शिलालेख जो है वो क्या है आपका, यही वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। और हेन सांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, यानी कि अशोक का गुरु कौन हुआ, उपगुप्त, और ये इसका धार्मिक गुरु है, यानी कि रिलीजियस गुरु है, ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है अशोक ने दी थी, अशोक को उपगुप्त ने दी थी, और ये इसका रिलीजियस गुरु है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसके केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं हम लोग। तो मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य में सप्तांग सिद्धांत का आधार मिलता है, ये तो आप छोड़ सकते हो। राजा का पद वंशानुगत होता था, ये हम जानते ही हैं, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो, इसमें कुछ भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसने प्रतिमुक्त अध्यक्षों के नाम दे रखे हैं, ठीक है, तो आप ये भी स्किप कर सकते हो, इससे कोई क्वेश्चन अभी तक जो है ना पूछा नहीं गया है पेपर में। हालांकि इनके पदों के नाम आप ध्यान कर सकते हो, जैसे कि एक तो ये पॉइंट और एक ये वाला, मतलब पौतवा अध्यक्ष जो है किसे कहते थे, जो माप तौल को नियंत्रित करने वाला हेड होता था, और लक्षणाध्यक्ष किसे कहते थे, जो टकसाल का अध्यक्ष होता था। टकसाल का मतलब गाइस मिंट होता है, जहाँ पे सिक्के जो हैं बनाए जाते हैं, ठीक है, ये दो आप लिख लेना, कभी कभी बड़े एग्जाम से पूछा जाता है पीसीएस लेवल के। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, भाई इनके पास 600,000 पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वरोही थे घोड़े वाले, 9,000 हाथी सेना थी, हाथियों वाली सेना थी, और 8,000 रथ सेनाएं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए, प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध, कूट युद्ध, चालाकी तथा छलबाजी का युद्ध, और तृष्णि युद्ध यानी कि अप्रत्यक्ष युद्ध, शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़वा देना, इस प्रकार से। तो कौटिल्य के अनुसार जो है ना, देखो कौटिल्य की नीतियाँ जो है ना, यानी कि चाणक्य पॉलिसी जो है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होती थी, और इसी कारण से जो है ना
उसने धनानंद को हराया भी था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसकी बुक्स आज भी काफ़ी मिलती हैं। आगे बात करते हैं गाइस गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। तो भाई इसके टाइम पे गुप्तचर व्यवस्था होती थी, और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जिसको कौटिल्य ने लिखा था, इसमें गुप्तचरों को ना गुण पुरुष कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है एक बार। गुप्तचर जो होते थे मौर्य वंश में, उनको गुण पुरुष कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा हमारा, संस्था की बात करें तो ये आप स्किप कर सकते हो, संचरा स्किप कर सकते हो। न्याय व्यवस्था कैसी थी भाई? देखो न्याय व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है ना भाई, दीवानी और फौजदारी। यानी एक जिसमें मर्डर केस चल रहा हो, और एक जिसमें क्रिमिनल केस चल रहा हो, और एक जिसमें प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो या पैसे का केस चल रहा हो। तो फौजदारी जो न्यायालय होता है ना, मतलब कि जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह केसेस चलते थे, उसको कंटक शोधन कहा जाता था, ठीक है। तो इसका इसका जो ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। कंटक शोधन किसे कहते थे? फौजदारी न्यायालय को कहते थे। उसमें और कुछ खास है नहीं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी राजस्व व्यवस्था कहती थी, मतलब उसका इनकम जो था ना, राजस्व का मतलब इनकम ही होता है, ठीक है, रेवेन्यू होता है एक्चुअली। इसकी रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसा था, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो वित्तीय वर्ष होता था, जैसे हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ पे इनका जो वित्तीय वर्ष होता था वो होता था आषाढ़ से लेकर के जेठ तक। हिंदी में, हिंदी के ये मौसम लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक टैक्स बड़ा फेमस होता था उस समय लगने वाला, जिसको भाग कहते थे। स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। मतलब भाग किसे कहते थे हम लोग? जो इंडिपेंडेंटली, जो किसान जो ना किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और खुद जो है वो बिजनेस कर रहा है, खुद जो है एग्रीकल्चर कर रहा है, उससे जो टैक्स लिया जाता था उसे भाग कहते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स भी लगाते थे ये लोग। और सेल्स टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो हिरण्य कर यानी कि नगद कर दे, हिरण्य कर था जिसको नगद कर कह रहे हैं, उदक भाग था, सिंचाई कर था, ठीक है। नगर प्रशासन की अगर बात करें गाइस, उदक कर किसे कहते थे? मतलब कि इरिगेशन टैक्स को, इरिगेशन टैक्स को कहते थे। और कैश नगद कर किसे कहते थे? हिरण्य टैक्स को, ठीक है। नगर प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ जानकारी जो है वो इंडिका पुस्तक से मिलती है, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। हमने पढ़ा था आगे, मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, उसमें ये जानकारी मिलती है कि ये लोग कैसे जो अपना मैनेजमेंट जो है हैंडल करते थे, प्रशासन कैसे हैंडल करते थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे मैनेज करते थे। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज ने जो अपनी बुक है उसमें जो प्रशासन की जानकारी दी है, उसमें जो जिस जगह की जानकारी दी थी उसका नाम है पॉलीब्रोथा, जिसे पाटलिपुत्र भी कहते हैं। सॉरी, तो पॉलीब्रोथा का जो जिक्र जो है उसके में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी को जो है ना एस्ट्रोनोमी होता था, मतलब जो नगर का अधिकारी होता था उसको एस्ट्रोनोमी कहते थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अन्य प्रशासनिक इकाइयां क्या थी। देखिए मौर्य काल में सर्वाधिक प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसको अनेक प्रांतों में यानी अनेक हिस्सों में बांट दिया गया था, और प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात ये मौर्य साम्राज्य था ना, वो 5 चक्रों में बांटा हुआ था, 5 हिस्सों में बांटा हुआ था, और प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा प्राणापति की नियुक्ति की जाती थी। मतलब कि प्रत्येक एरिया में जो है ना एक हेड नियुक्त होता था, जो कि सम्राट करता था यानी अशोक करता था, जिसे कुमार कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, यहाँ पे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन आते हैं। देखो अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये अशोक ने ये अशोक का जो 13वां अभिलेख है वो सबसे बड़ा है, ठीक है,
उपगुप्त के बारे में आपने पढ़ लिया, अब अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी सारी जानकारी जो है वो अभिलेखों से ही प्राप्त होती है, इसलिए अभिलेखों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि पहला वाला भी ठीक है पॉइंट, कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों की जानकारी जो सबसे पहले वो टिफिन थैलर नामक पादरी ने 1750 में की थी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है ये वाला जेन प्रिंसिपे वाला बहुत बार आ चुका है। सब सर्वप्रथम जेन्स प्रिंसिपे ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और इसे दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा, और इन्होंने जिस अभिलेख को पढ़ा वो दिल्ली टोपरा अभिलेख था। ठीक है, अच्छा अशोक के जो अभिलेख है उसकी जो मूल भाषा है वो प्रकृत थी। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख हैं वो चार लिपियों में लिखे गए हैं, ब्राह्य लिपि, खरोष्ठी, आर्माइक और यूनानी लिपि। ठीक है, ये चार लिपियों में उसको लिखा गया है और मूल भाषा जो थी इनकी प्राकृतिक होती थी। इसका वर्गीकरण देखो भाई, अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण आपके सामने हेडिंग है, अब देखो क्या कह रही है। एक्चुअली देखो जो सबसे बड़े अभिलेख थे उसको दीर्घ अभिलेख कहा गया, जो उससे छोटे थे ठीक है कुछ दीर्घ स्तंभ लेख थे, शिलालेख मतलब स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गया, अस्थे स्तंभ लेख मतलब पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, फिर उसमें भी कुछ और छोटे थे और कुछ अन्य भी थे। ठीक है, अन्य में आपका केव इंस्क्रिप्शन आ जाता है, ठीक है गुफा लेख आ जाता है, हालांकि इसमें से कुछ खास पढ़ने लायक चीज़ें नहीं है, हम इसको स्किप करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी है। पहला, धौली और जौगौड़ से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में लेख नंबर 11, 12, 13 नहीं मिलते हैं, यहाँ से दो पृथक लेख मिलते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो शिलालेख है उसमें अलग अलग टाइम पीरियड में बातों को एक ही साथ जोड़ दिया गया है। पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की लिपि खरोष्ठी है। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा, भ्राबू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है, यानी भ्राबू शिलालेख में अशोक ने इंटरेस्ट दिखाया अपना बौद्ध धर्म में। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसी शिलालेख में यानी कि भ्राबू में ही अशोक ने खुद को जो है वो मगध का राजा कहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा शिलालेख है उसमें अशोक ने अपने साम्राज्य पड़ोसी राज्यों में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध कराए जाने का उल्लेख किया है, और अगला तो इम्पोर्टेंट है ही है। रुमनदेही स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त करने और भूमि कर हटाकर 1/8 करने का उल्लेख मिलता है, यानी उनके टाइम पे ना बलि नाम का एक टैक्स लिया जाता था जिसको हटाने की बात कही गई, और किस अभिलेख में, रुमनदेही अभिलेख में, और एक भूमि टैक्स भी लिया जाता था जो जिसका 1/8 जो है वो कर दिया गया, कम कर गया। देखो इलाहाबाद का जो कौशाम्बी का अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख भी कहा गया है, प्रथम प्राकृतिक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है। पहला जो देखो इसके अभिलेख ऐसे मिले हैं, पहला दूसरा तीसरा है ना, तो हर अभिलेख में क्या मिलता है वो देखने को मिलता है हमारा, वो पूछा गया है। तो जो पहला अभिलेख में उसमें ये कह रहा है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी के सभी मेरी क्या है, संतान है, ऐसा स्टेटमेंट फर्स्ट में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, जो इसका 13वां अभिलेख है, देखो जिसका 13वां अभिलेख है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और उसी में कलिंग युद्ध का जिक्र भी मिलता है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का जिक्र किसमें मिलता है, 13वें में, और सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो 13वां ही अभिलेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में, कुछ खास नहीं है इसमें भी, आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन होता था इनके टाइम पे, ये जान लो आप। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे, विधवा और पुनः विवाह भी होते थे, यानी कि विधवा विवाह भी होता था, पुनः विवाह भी होता था, और जो स्त्री जिनका पुनः विवाह होता था उसे पुनर्भ्रूण कहा जाता था। आर्थिक जीवन की बात करें कि लोग भाई एक कमाने धमाने के लिए क्या करते थे, तो कृषि सबसे इम्पॉर्टेंट था, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, ये सब इसको वार्ता कहा जाता था। ठीक है, और मेगास्थनीज जो है था उसने बताया कि भाई उस समय जो समाज था, भारतीय समाज, वो 7 वर्गों के कृषकों की
में फैला हुआ था, मतलब कि 7 कैटेगरी में ये कृषि जो कृषक जो थे ना वो फैले हुए थे, मतलब जो लोग कृषि करते हैं उसको कृषक कहते हैं ना, तो ये चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कह रहे आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र का तो गुजरात की बात हो रही है यहाँ पे, पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये काफ़ी बार आ चुका है इसलिए बार बार रिपीट भी हो रहा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कह रहा हमारा अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी ना उसके अनुसार 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, रवि, खरीफ और जायद, जैसा आज भी उगाई जाती हैं, उसको वो लोग हेमन, ग्रैविंशिक और केदार कहते थे। केदार में जायद की फसलें होती थी जिसमें हरी सब्जियां, खीरा, ककड़ी इत्यादि जो है ना, खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि जो है वो उगाया जाता था। अच्छा, ये लोग सोना निकालने के लिए चींटियों का प्रयोग करते थे, ऐसा कह रहे हैं ना कि भारत के मौर्य काल में सोना निकालने के लिए चींटियां भी पाई जाती थी, ठीक है, चींटियों का प्रयोग करते होंगे शायद, ऐसा कोई टेक्निक होगी इनके पास। जो काफिले व्यापार करते थे या जो व्यापारी काफिले थे उनका जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसे सार्थवाह कहा जाता था। आगे की बात करें तो भाई भारत के पश्चिमी तट पर भ्रूकक्ष तथा सोपरा बंदरगाह थे उस समय, मतलब अशोक के टाइम पे, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, इंपॉर्टेंट ये भी। मुद्रा की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो जो अधिकारी मुद्रा को संभालता था ना, मैंने कहा ना टकसाल में का जो हेड होता था, जो मिंट का हेड होता था, उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। अच्छा, असली और नकली सिक्कों की जांच के लिए जो है ना रूप दर्शक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, ये भी होता था। मौर्य कला की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था, यहाँ गंगा तथा सोन नदियों का संगम पर स्थित है, ये तो अभी भी है खैर। आगे की बात करें तो भाई स्टेडियम थे, ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है। आगे की बात एक और करते हैं, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फाहियान जो था पाटलिपुत्र में राजप्रसाद वर्णन करते हुए, पाटलिपुत्र के में एक जगह है राजप्रसाद का वर्णन करते हुए कहता है कि यह राजप्रसाद पत्थरों से निर्मित था और यह मानव द्वारा नहीं देवताओं द्वारा निर्मित प्रतीत होता था, ठीक है, मतलब इतना अच्छा बना हुआ था। इसके बारे में ये जगह ये बताई गई है, राजप्रसाद उस जगह का नाम है बेसिकली। गुफाएँ की बात करें अगर हम, गुफाओं में क्या था, तो भाई बराबर पहाड़ी में अशोक ने 14 गुफाओं का निर्माण कराया था। देखो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है ना वो पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, ठीक है, वो स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और वो केव इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, मतलब गुफा लेख भी मिलते हैं, ठीक है, पत्थर शिला लेख भी मिलते हैं, इसको शिला लेख कहा जा सकता है और इसको बोलते हैं स्तंभ लेख, ठीक है। तो 3 प्रकार के हैं, तो उसने गुफाओं का भी निर्माण कराया और उसने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को जो है ना ये दान भी दिया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है ना, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को गुफाएं दान दी। उसने जितनी भी गुफाएं बनाई सारी की सारी गुफाएं उसने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को ही दान दी। स्तूप की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होता था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के लोग जो मर जाते हैं या उनका जो महापरिनिर्वाण हो जाता था उसके बाद जो उनकी अस्थियां हैं वो इसमें रखी जाती हैं, ठीक है, और इसने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और उसमें 2 बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो सांची का स्तूप फेमस है और एक सारनाथ का स्तूप फेमस है, ठीक है, मतलब कि वर्तमान में सिर्फ 2 ही अब अवेलेबल है। इसने 84,000 बनाए थे लेकिन सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप ही अवेलेबल है, बाकी सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। आगे की बात करते हैं, अशोक ने अपने स्तंभों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लाल बलुआ चूना पत्थर जो है ना मिर्ज़ापुर और मथुरा की पहाड़ियों से लाया गया है। मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, वो जो राजस्थान और MP के साथ लगता है। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु चलते हुए दिखाए गए हैं, हाथी, वृषभ, सिंह और अश्व, यानी अश्व का तो घोड़ा, ठीक है, वृषभ का मतलब एक तरह से हो गया आपका जो हाफ एनिमल और हाफ मैन होता है वो। अच्छा, इन 4 पशुओं के नीचे 24 तितलियों वाला चक्र बना हुआ है। सारनाथ के
इसी लाट से, इसी मतलब जगह से भारत सरकार का राज चिन्ह वृषभ, अश्व तथा 24 तितलियों वाला चक्र लिया गया है। वो जो आपने देखा है ना अशोक स्तंभ जो लिया गया है, वो सारनाथ की ही इंस्क्रिप्शन से लिया गया, सारनाथ के स्तंभ लेख से ही लिया गया है। मूर्ति कला की अगर थोड़ी सी बात कर लें भाई, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूर्ति जो है वो दीदारगंज पटना से प्राप्त चमार ग्रहणी यक्ष की मूर्ति है, जो कि 6 फुट और 9 6 फुट लंबी और 9 इंच जो है चौड़ी, 6 फुट 9 इंच लंबी है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। मृदभांड की बात करें, मृदभांड का मतलब गाइस एक तरह से कह लो आप बर्तन की बात हो रही है जो मिट्टी के बने होते थे, यानी कि हम उसे क्या कह सकते हैं, बर्तन को हम लोग यूटेंसिल्स कहते हैं ना, और सॉयल यूटेंसिल्स कह सकते हो आप लोग, है ना, यूटेंसिल्स कह सकते हो। तो राजगृह से जो है ना बहुत सारे काले रंग के मृदभांड यानी कि मिले हुए हैं, काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद आई थिंक शायद ये मौर्योत्तर काल शुरू हो जाएगा, तो इसको पहले एक बार कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म का स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा प्राणों का अंत किया। ठीक है, संलेखना विधि से उसने कहाँ पे, श्रवण बेलगोला में, अभी आएगा भी बाकी, श्रवण बेलगोला। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में शिक्षा शिक्षा सिक्का जारी करने को लक्षण रक्षणाध्यक्ष कहते हैं, कई बार आ चुका है ये। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले अशोक ने जो है ना अपने अभिषेक का, जब जब वो राजा बना था, यानी कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने जो है, यानी राजा बनने के 10 साल बाद जो है वो बौद्ध गया, उसने विजिट किया था। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे, इनका नाम कौटिल्य भी आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया, मतलब मुद्रा राक्षस इस बुक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र है, और ये बुक लिखी किसने, विशाखदत्त ने लिखी है। और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, एक चीज मिलती है, अब उसमें पढ़ लेते हैं। देखो, तो अशोक के 2वें और 13वें दीर्घ शिला लेख में संगम चोल पांडे और चेर वंश का उल्लेख मिलता है, वो जो साउथ के राज्य थे। ठीक है, हालांकि इन अभिलेखों में दक्षिण के 2 अन्य राज्य सातियतपुत्र और ताम्रपर्णी लंका का उल्लेख भी है, और कुछ खास इसमें है नहीं। अब बात आती है इस मौर्योत्तर काल की। देखो, मौर्योत्तर काल का तो क्या होता है, उत्तरवर्त जहाँ पे लग जाता है समझ लो उसका एंड पीरियड चल रहा होता है। तो मौर्य काल के खत्म होने के बाद कौन सा टाइम पीरियड शुरू हुआ, उसमें कौन कौन से वंश आए, वो हमें पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, शुंग वंश लिखा हुआ है, कर्ण वंश लिखा, सातवाहन लिखा हुआ है, तो अब शुंग वंश की जानकारी जो है वहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ो, ये पूरा पूरा लेक्चर जो है वो मौर्य वंश को डेलीगेटेड है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और टेस्ट पे बहुत सारी चीज़ ये लेक्चर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आप ऐप पे आप बहुत सारे ये लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और शेयर जरूर करना, सब जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।